A very good morning, students. Today we are going to read chapter 6 of our Honeycomb book, textbook. Okay, and the title of the chapter is Expert Detectives. Detective means a person whose occupation is to investigate and solve the crimes. It's going to be very interesting to know here who are expert detectives here in this chapter. Do you know? Two kids are expert detectives here. One, Nishad, who is 7 years old, and his sister, who is 10 years old. Both the kids are very much curious to know about Mr. Nath, as he means as they have considered him a criminal. Yes, इन दोनों बच्चों ने माना है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल है, वो एक क्रूक है, ठीक है, और वो उनके मामले को क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट द चैप्टर सेज हियर. एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. ठीक है, तो माया जो है या निशा जो है, उनकी जो मम्मी है, उनका एक खुद का क्लिनिक है. ठीक है, तो क्लिनिक से जैसे ही वापस आते हैं तो वो कहती है, जो निशद है वो माया से कहता है कि माया, जब मैंने उसको देखा, मिस्टर नाथ को देखा, तो वो मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लग रहे थे, मतलब इंसानों जैसे ही लग रहे थे, मॉन्स्टर जैसे नहीं लग रहे थे. ठीक है, और तुमने देखा कि वो कितने पतले थे, कितने थिन थे. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उनको, उनके पास पैसे नहीं हैं और वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो इतने गरीब हैं या खाने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं. He can't be poor if he is a crook on the run, I told him. He is probably got millions of rupees, okay, stashed away somewhere in that room. अब माया कहती है कि अगर वो एक क्रूक है, अगर वो एक क्रिमिनल है, तो वो पुअर तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, वो गरीब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मीन्स माया जो है वो नरेट कर रही है स्टोरी को, तो यहाँ पे जो आई यूज हो रहा है वो माया के लिए यूज हो रहा है. तो माया कहती है, मुझे लग रहा है कि उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज है और उसने कहीं दबा के रखे हुए हैं, कहीं छुपा के रखे हुए हैं, हिडन करके रखे हुए हैं अपने रूम में. Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. Nishad जो है अभी उसको doubt है, और Nishad कहता है कि माया, क्या तुम सच्ची में सोच रही हो कि वो एक criminal है? But वो एक criminal के जैसा नहीं लगता है. Nishad अभी भी doubt में है, Nishad को अभी भी doubt है, उसे नहीं लगता है कि वो एक criminal है. Of course he is 1-7. ओके आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग मिस्टर. ओके मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. ओके उसके बाद माया कहती है कि ऑफकोर्स सेवन, वो सच्ची में एक क्रिमिनल है, और तुम्हें लग रहा है कि ना स्टार्वेशन है उसमें, मतलब वो भूखा मर रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उनके लैंडलॉर्ड हैं, जो जिनके रेंट पे वो रहता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसका जो नाम भी बताया है मिस्टर मेहता. ठीक है, तो मिस्टर मेहता ने बताया कि नीचे जो जो रेस्टोरेंट है ना, उस रेस्टोरेंट से जो रमेश है वो उसके लिए खाना लेकर आता है. रमेश जो है वो वहीं पर काम करता है रेस्टोरेंट में, जो नीचे रेस्टोरेंट है वहीं पर वो काम करता है. ओके बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनी वेयर, सो हाउ कैन ही प्रोबेबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशद सेड. निशद कहता है, लेकिन माया अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी कहा था कि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं. ठीक है, अगर वो कुछ काम ही नहीं करते हैं तो उनके पास खाने के लिए पे करने के पैसे कहाँ से आते हैं, वो खाने के लिए पे कैसे करते होंगे. Exactly, I exclaimed. He must
have loads of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and. ओके उसके बाद माया कहती है एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है कि वो अर्न नहीं करता है, वो कुछ कमाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे हैं. इसका मतलब यही है कि उसके रूम में जो ट्रंक रखा है, उसके रूम में जो बॉक्स रखा है ना, उस बॉक्स में उसने बहुत सारा गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स जो है उनको छुपा के रखा हुआ है. ठीक है, मतलब वो क्रिमिनल है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और जो क्राइम करने पर जो उसको पैसे मिलते हैं उस पैसे को उसने अपने रूम में बॉक्स. ओके आफ्टर दिस वोट रबिस. ओके निशर इंटरप्टेड. निशर जो है वो इंटरप्ट करता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो. आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम. बाय द वे सेवन डिड यू सी हिज स्कार्स. ओके आई कुडंट. ओके आई कुडंट. इट वॉज टू डार्क बट आई बेट ही गोट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. ओके निशंत जो है वो इंट्रैक्ट करता हुआ कहता है कि क्या रबिस क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने बहुत सारा मतलब छुपा के रखा हुआ है, तुम क्या बात कर रही हो. तो कह रहा है कि स्टूपिड मैं जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ. फिर कहती है कि बाय द वे सेवन मुझे ये बताओ कि तुमने ओके डिड यू सी हिज स्कार्स. ओके तुमने उसके चेहरे पे बहुत बड़ा एक निशान सा है, स्कार है, ठीक है, मतलब घाव भी कह सकते हो, लगे हुए एक चोट का जो आप निशान है वो है, क्या तुमने उसके चेहरे पे वो चोट का निशान देखा. तो निशत कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत अंधेरा था और मुझे नहीं दिखा. तो माया कहती है कि मैं तुमसे बेट लगाती हूँ, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि वो जो स्कार है ना वो उसे कब लगा होगा, शूट आउट के दौरान लगा होगा, मतलब पुलिस उस पर गोलियाँ चला रही होगी और उस दौरान उसको वो स्कार लगा होगा. ओके मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वन बर्न स्कार सेट. सॉरी निशाद सेट फॉर्मली. निशाद ने फॉर्मली कहा कि मम्मी ने बताया तो था हमें, ठीक है, कि वो जो स्कार उसके है वो जले हुए के निशान है, ठीक है, वो जलने की वजह से हुए हैं वो निशान. ओके परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. आई सजेस्ट सेवन लुक्ड अनश्योर. ओके उसके बाद माया कहती है, माया लॉजिकल होती है, लॉजिक लगा कर कहती है कि शायद मुझे लग रहा है कि इसने अपने आप को घर में कैद कर लिया होगा, बंद कर लिया होगा, इसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने इसके घर में आग लगा दी होगी और इसी उसी दौरान इसको ये स्कार लग गए होंगे. ठीक है, ऑन द मंडे फॉलोइंग ओके मम्मा'स बर्थडे सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक. ओके एट गर्गोम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड वैन दे रिटर्न निशन टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडेंट बीन देयर. उस दिन मंडे को मम्मी का बर्थडे था तो उस दिन जो निशत था वो मम्मी के साथ क्लिनिक चला गया. ठीक है, और जो माया है वो कह रही है कि मुझे अपने स्कूल फ्रेंड के साथ घर पे ही वो दिन बिताना पड़ा, लेकिन जब वो वापस आए तो निशित ने उसे बताया कि उसे मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला था. तो माया को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं गई, क्योंकि अगर वो जाती तो वो इन्वेस्टिगेट कर पाती, पूछताछ कर पाती, ठीक है, उसके बारे में पता लगा पाती. तो उसे लगता है कि वो क्यों नहीं गई वहाँ पर. ओके सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. ओके उसके बाद जो सेवन है ना वो बहुत ही अपसेट सा हो रहा है और उसे लग रहा है कि जो मिस्टर नाथ है ना वो बहुत ही गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो चुके हैं. उसके बाद उसने ये भी कहा कि उसने मिस्टर नाथ के डोर पे लाउडली नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, और मिस्टर नाथ से रिक्वेस्ट करी कि वो दरवाज़ा खोले. ओके द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम.
ओके लॉस्ट अनादर मार्बल. ओके जो आदमी था ना उसने क्या दरवाजा खोला और उससे पूछा कि अच्छा अच्छा कोई दूसरी मार्बल खो गई है. एक बार इनकी मार्बल चली जाती है अंदर और वो मार्बल लेने के बहाने उनसे दरवाजा खुलवाते हैं. तो इसी तरह से मिस्टर नाथ को लगता है. तो मिस्टर नाथ फिर से निशल से पूछता है अच्छा अच्छा तुम्हारी फिर से मार्बल खो गई है क्या, मार्बल मेरे रूम में आ गई है क्या. He had obviously recognized my brother. मेरे भाई को उसने obviously पहचान लिया होगा. No, said Nisar. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Okay, उसने कहा नहीं नहीं उसने मुझे नहीं पहचाना. उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे चॉकलेट भी दी. ओके सॉरी 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 बेटा, इसने निषद ने उसको चॉकलेट दी है, मतलब उसने आदमी का हाथ पकड़ा और निषद ने उसको चॉकलेट भी दी क्योंकि निषद को ये लग रहा है कि उसको भूख लगती है और भूख के मारे उसकी वो बहुत ज़्यादा पतला है. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक, सेवन सेड. ओके आई आस्क, और उसने बोला अब माया निषद से पूछती है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि वो जो उसके रूम में ट्रंक रखा है, बक्सा जो रखा है, बॉक्स जो रखा है, उसमें झांकने का मौका तुम्हें मिला क्या, तुमने उसमें झांक के देखा. Okay, Nishit looked disappointed. He didn't even ask me in. He said, then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. Okay, Nishit ने कहा, Nishit थोड़ा सा disappointed हो गया. जब Maya ने पूछा ना कि तुमने उसके ट्रंक में झांक कर देखा क्या, तो उसने कहा कि मुझे उसने अंदर बुलाया ही नहीं, तो मैं उसके अंदर कैसे झांक कर देखूंगा, ठीक है. तो उसके बाद वो माया को बताता है कि माया ये तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ. मैंने किससे बात करी, मैंने उस रमेश से बात करी जो उसके लिए खाना लेकर आता है हमेशा. ओके गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. ओके उसके बाद वो कहती है कि डिटेक्टिव अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम अच्छा काम कर रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुमने उसे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनिंग करी होगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे. ओके और उसने सेवन कह सकते हो या निषद कह सकते हो, निषद का जो पीठ था उसको थपथपाया किसने, माया ने. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. ओके रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ टी. ओके सेवन ने बताया, सेवन को अभी थोड़ा अच्छा लगा कि उसे शाबाशी मिली है, उसको प्रेजिंग मिली है. अब वो कहता है कि रमेश ने निशल को बताया कि वो मतलब हर रोज दो मील्स लेता है, दो खाना खाता है, मतलब दो बार खाना खाता है वो, हर मॉर्निंग को और इवनिंग को, और दो चाय पीता है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून. चाय जो है वो एक मॉर्निंग में होती है और एक आफ्टरनून में होती है. रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स एज वेल. वो कहता है कि रमेश ने उसे बताया कि वो खाने को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो सादा खाना खाता है. क्या खाता है, दाल खाता है, टू चपातीज खाता है और एक वेजिटेबल होती है, बस सिंपल सा खाना खाता है. और उसके लिए उसे पे भी करता है और पे के साथ साथ उसे टिप्स भी देता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे देते हो जब तुम वेटर को, तो उसे टिप भी देता है. ओके रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया लेकिन पता है रमेश ने मुझे कुछ बहुत ही स्ट्रेंज बताया. क्या था वो, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विद मी ईच टाइम. ओके ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स. ओके रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. ओके रमेश ने कहा कि रमेश ने उसे एक बहुत ही अजीब सी इन्फॉर्मेशन दी, अलग से इन्फॉर्मेशन दी. वो क्या थी कि हर संडे को वो दो मील्स लेकर जाता है, पता है, और एक विजिटर है जो हर मतलब हर संडे को उससे मिलने आता है, मतलब सेम विजिटर उसको हर संडे मिलने आता है. और पता है वो जो विजिटर है ना वो मिस्टर नाथ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उसके अपोजिट है. जितना मिस्टर नाथ कम बोलता है वो विजिटर उतना ही ज़्यादा बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है. वेल द निषद, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव द शॉर्ट आउट all the facts like expert detective so that we can trap the crook. okay uske baad maya kehti hai well done nishad tumne bahut acha kara hai, hamari jo inquiries hai na wo progress pe hai, matlab hum progress kar rahe hain apni inquiries mein, theek hai. aur agar we
we will have to sort out all these facts like expert detectives. ठीक है, हम expert detectives की तरह इन सारे facts को हमें सोल्व आउट करना पड़ेगा ताकि हम उस ग्रुप को अरेस्ट कर सकें, उसे ग्रुप को ट्रैप कर सकें, उस जो क्रिमिनल है उसको हम पकड़ सकें. ओके, हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन शाइड. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. Okay, उसके बाद निषद जो है वो कहता है कि माया तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि वो क्रूकी है, वो क्रिमिनल ही है, वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसा लगता है, एक साधारण पर्सन के जैसा लगता है. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी. ओके, स्मार्टी. आई रिपोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे. ओके, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निशद लुकड डाउटफुली. उसके बाद माया निशद को बताती है कि तुम्हें पता है जो क्रिमिनल्स होते हैं ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे ही लगते हैं, स्मार्ट भी लगते हैं. तुमने हैदराबादी क्रिमिनल को देखा था, वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसा ही लग रहा था जो कि हमने कल अखबार में पढ़ा था. तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि क्रिमिनल अलग से होते हैं, वो भी पर्सन ही होते हैं, तो वो पर्सन के जैसे ही दिखते हैं. अब निशद थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है. द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. ओके, डार्क क्लाउड्स एकम्पनीड बाय ब्लिंकिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फोरी फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर. स्कूल्स वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. पता है क्या होता है, बहुत तेज़ी से बारिश हो जाती है. ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से फ्लड टाइप की बारिश होती है, गलियों में बहुत पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि कोई ट्रैफिक वहाँ से मूव ही नहीं कर सकता, कोई व्हीकल वहाँ से नहीं चल सकता. ठीक है, अब पता है क्या होने वाला था, समर ब्रेक कैसे मतलब समाप्त हो गया था, एंड हो गया था और अब स्कूल खुलने ही वाले थे, लेकिन ये इतनी भयंकर सिचुएशन हो गई थी, फ्लडेड वाली सिचुएशन हो गई थी, बाढ़ वाली सिचुएशन हो गई थी, इसलिए अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हो गए. मतलब उनकी जो छुट्टियां थी ना वो एक्सटेंड हो गई, छुट्टियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी. आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली. आई सेट ओके एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी. ओके, उसने सोचा कि मैं इस टाइम को बहुत ही यूजफुली स्पेंड करने वाली हूँ. ठीक है, मतलब मैं इसका जो टाइम मुझे मिला है इसे मैं बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाली हूँ. मैं कहाँ बैठ जाती हूँ, अपने बेडरूम में की जो डेस्क होती है उस पर बैठ जाती हूँ और अपना एक पेपर सामने रख लेती हूँ. पेपर पे क्या करती हैं वो लेट्स सी. ओके, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. मैं बड़े बड़े लेटर्स में कुछ लिखती हूँ. क्या लिखती है वो, कैचिंग अ क्रूक, एक क्रूक को पकड़ने कोशिश है ये इनकी. ओके, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडे बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. ओके, ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, इनको पूरा वर्ल्ड उनको अपॉइंट कर रहा है. ठीक है, निशद और माया जो है वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं और वो अपने उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है. देन आई बिगिन राइटिंग. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टू अवर्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स. ओके, उसके बाद आधे घंटे तक वो लिखती रहती है, लिखने में बिजी रहती है. उसके बाद वो टर्न होकर देखती है निशद को. निशद क्या कर रहा होता है, वो अपने बेड पे आराम से टमी के बल लेटकर अपने हाथ जो है चिन पे रख के और कॉमिक्स पढ़ रहा होता है. ओके, वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन आई आस्क. उसने पूछा निशद से कि निशद तुम सुनना चाहते हो कि मैंने जो लिखा है वो, तुम जानना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है. ओके, He looked up questioningly. Okay, I have listened all the facts we know about Mr. Nath. About Mr. Nath, which might help us to trap him, I said, want to hear. Okay, उसने मुझे questioningly देखा, मतलब उसके मन में बहुत सारे questions आ रहे हो, इस तरह से उसने मुझे look दिया, इस तरह से उसने मुझे देखा. उसने कहा कि I have listed all the facts we know about Mr. Nath. Okay, Mr. Nath के बारे में जो भी facts हमें पता था उनकी मैंने एक list बना ली है और क्या तुम इन facts को सुनना चाहोगे.
सेवन नोडेड. सो मैंने कहा कि हाँ मैं सुनना चाहूँगा. फैक्ट नंबर वन क्या कहता है, आई रीड हिज नेम मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फुल नेम. पहला नंबर नाम तो उसका जो फैक्ट था वो उसका नाम था मिस्टर नाथ, और हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके फुल नेम का पता लगाना पड़ेगा. ओके, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषद आज निषद ने सोचा पूछा कि माया क्या तुम सोच रही हो कि ये इसका रियल नाम होगा, ये ही उसका नाम होगा? प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट क्रुक्स हैव एन अलाइज. ओके, ज़्यादातर जो क्रुक्स होते हैं ना उनके झूठे नाम होते हैं. ओके, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मिस्टर नाथ के बाद उसने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन. ओके, द टेनेंट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. जो उनके किराएदार जो है ना, मतलब जिन्होंने मकान मालिक जो है, वो कहते हैं कि मिस्टर क्रुक मिस्टर नाथ है ना, वो कैसा है, पागल है, स्ट्रेंज है, मतलब हमेशा ही क्या रहता है, अजनबी बन के रहता है, और अनफ्रेंडली है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, और फ्रेंड की तरह वो बिहेव भी नहीं करता है. नंबर थ्री, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता है और उसको मैनर्स भी नहीं है. बट ही डिड नॉट टॉक टू अस माया, बट ओके ही डिड टॉक टू अस माया और एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट. निषद इंटरप्ट करके कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमसे तो बात करता है ना, ठीक है, और मम्मी कहती है कि वो तो बहुत पोलाइट है. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू आई. ओके, आई सेड एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके ही हैड टू बी पोलाइट. उसको हमसे तो बात करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी हमारी जो है वो उनका इलाज कर रही है, और इसीलिए उनको मम्मी उनको ट्रीटमेंट दे रही है, इसीलिए उनको मम्मी से तो पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो पोलाइटली बात करता है. ओके, फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन नोडेड, उसे कोई लेटर्स भी नहीं आते हैं. फैक्ट नंबर फाइव, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर कंटिन्यूड. ओके, वो शंकर के जो हाउस जो रह रहा है ना वहाँ पे, वो 10 नंबर रूम में रह रहा है एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है. ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. ओके, वो कुछ काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने ही कमरे में बैठा रहता है, वो किसी काम धाम पे नहीं जाता है, उसकी कोई जॉब नहीं है. ओके, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, जो शंकर के घर में जो किड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनसे डरते हैं, और इवन जो बड़े लोग हैं वो भी उनसे डरते हैं. ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टर, ओके, फियर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच. ओके, उसके बाद कहते हैं कि उसे उसके कोई विजिटर्स नहीं है, सिर्फ एक विजिटर के, कि एक आदमी है जो बड़े से स्पेक्टिकल्स पहन के आता है और जो संडे को आता है, ठीक है, संडे को लंच टाइम पर उसे विजिट करता है. फैक्ट नंबर नाइन है, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, और जो खाना है वो उसके रूम में ही पहुंचाया जाता है रमेश के द्वारा, रमेश उसके लिए खाना लेकर जाता है रूम में ही, ठीक है. ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल एट दैट एंड माय लिस्ट हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग्स एवर. ओके, और वो मतलब खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और बिल तुरंत ही पे कर देता है और उसके साथ टिप्स भी देता है, ठीक है. अब वो माया पूछती है कि माया ये मेरी लिस्ट मैंने बना ली है निशद, अब मुझे बताओ कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ. निषद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ऑल ही कुड से वॉज. ओके, निषद जो था वो मेरी लिस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब अटेंशन नहीं दे रहा था, ठीक है. और बाकी जो उसने कहा वो क्या था, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. बेचारा आदमी, वो अगर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है तो वो बेचारा अकेलापन महसूस करता होगा, उसे कितना अकेलापन लगता होगा. हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने जोर से चिल्ला के बोला कि एक क्रिमिनल के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं पागल लड़के. एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, ओके, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषद. निषद कहता है कि एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड तो है ना जो उसे संडे को मिलने के लिए आता है.
A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loots and he comes now and then to give part of it to his partner. Okay. इसके बाद जो माया है वो कहती है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट सा आइडिया मेरे दिमाग में आता है कि ये जो विजिटर इसके पास आता है ना, ये जरूर इसका क्राइम में साथी होगा. क्राइम जो भी ये क्राइम करते हैं साथ मिलकर करते हैं और ये इसका साथी होगा. और जो भी ये लूट करते हैं, जो भी ये लूट सामान लूट कर लाते हैं, उसमें से जो इसका पार्ट बनता है वो उसको संडे को देने के लिए आता है. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेज एंड दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. ठीक है, मिस्टर नाथ को जो भी उसके खर्चे होते हैं ना, उसका वो देने के लिए आता है. और ये मुझे श्योर हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ में गलत नहीं हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सेड निशत एंगरली. निशत को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम बार बार उसे क्रिमिनल क्यों कह रही हो, तुम अगर बार बार उसे क्रिमिनल कहोगे तो मैं इस टॉपिक पर तुमसे बात नहीं करूँगा. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tip. अगर वो generous tip देता है रमेश को तो वो इतना बुरा भी आदमी नहीं हो सकता. ठीक है, रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Okay, उसके बाद माया कहती है कि हो सकता है कि जो रमेश है उसको उसके सीक्रेट्स के बारे में पता हो और उन सीक्रेट्स को मतलब दबाए रखने के लिए वो उसको रिश्वत देता हो, ब्राइब देता हो. निशत glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. जो निशत है उसे गुस्सा सा आ जाता है. इस तरह से वो टाइट ऐसे अपनी आर्म्स को कर लेता है और उसे बहुत ऐसे ऐसे तीखी नजरों से उसे देखता है. तो माया कहती है मैं फेड अप सी हो गई थी उससे. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, सेवन आई आस्क्ड. उसके बाद माया कहती है कि तुम अगर इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगे तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते अपने इन्वेस्टिगेशन में. I will cooperate only if you give up the idea about him being an escaped crook. Okay, said seven. You really make me angry. उसके बाद तो सेवन कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन सबसे पहले तुम इस आइडिया को छोड़ दो कि वो एक छूटा हुआ क्या है, क्रूक है, क्रिमिनल है. पहले तुम उसको क्रिमिनल कहना बंद कर दो तो मैं तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ दूंगा. I almost hit him. I make you angry. You stupid off. Okay, I shouted. Okay, you make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? Okay, उसके बाद माया जो होती है वो कहती है मैं उसे बस मारने ही वाली थी और मैंने उसको बोला कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो. यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो स्टूपिड. तुम्हें पता है कि अगर मैंने पागल हो तुम क्यों हो, क्योंकि अगर हमने ये आइडिया छोड़ दिया कि वो क्रूक है, क्रूक नहीं है या क्रिमिनल नहीं है, तो फिर हम किसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इन्वेस्टिगेशन का कोई पॉइंट ही नहीं बचता है. ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेट करोगे फिर तुम, फिर किस चीज की क्वेरीज तुम करोगे? ठीक है, इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी. ओके, निशित लुक्ड थॉटफुली. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लॉनली. आई वॉन्ट to know why he doesn't have any friends and lives alone. ठीक है, उसके बाद वो उसे कहती है कि वो तुम्हारा कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम क्यों इतने बोदर हो रहे हो उसे लेकर. तो निशत कहता है कि पता है मैं इस चीज़ का जरूर पता लगा के रहूँगा कि वो इतना पतला क्यों है, कमज़ोर क्यों है. ठीक है, और साथ में वो ये भी पता लगाएगा कि वो अकेला क्यों रहता है. ठीक है, उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है. ठीक है, और उसे अकेलापन महसूस नहीं होता क्या? तो ये सारी चीज़ें वो पता लगा कर रहेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन. आई टोल्ड हिम इफ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ 10 ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देर इज समथिंग रॉन्ग. तो माया कहती है कि सेवन तुम समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर के घर में 10 साल से कॉन्टिन्यूसली रह रहा है, शंकर्स हाउ फॉर अ ईयर, एक साल के लिए रह रहा है और रूम नंबर 10 में वो रह रहा है. ठीक है, तो रूम नंबर 10 में अगर वो एक साल से रह रहा है तो एक साल से अभी तक उसने कोई भी फ्रेंड्स
डिटेक्टिव्स क्यों नहीं बनाए? इसीलिए नहीं बनाए कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ ना कुछ गलत है. ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, क्योंकि उसे इस चीज़ का डर है कि कोई ना कोई उसे पहचान लेगा और उसे कॉप्स को दे देगा, कॉप्स मतलब पुलिस को दे देगा, और वो पुलिस को अरेस्ट करवा देगा उसे. इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स नहीं बनाता है. Once tried to make friends with him, Nishad protested. Nishad ने protest करते हुए कहा कि हो सकता है कि कोई उसको friend ही नहीं बनाना, बनने के लिए कोशिश ही नहीं करता हो. ठीक है, कभी किसी ने कोशिश ही नहीं करी हो. ओके, वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन बोट नास्टी बियर ही इज, आई सेड. ओके, उसके बाद माया कहती है कि कोई भी उसको फ्रेंडशिप ऑफर क्यों करेगा, वो कितना अजीब है, कितना वियर्ड है, कितना नास्टी सा है. ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है वो. ठीक है, I don't care, said Nishad stubbornly. मतलब जिद करते हुए, हट करते हुए वो कहता है कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है. I like him and I'm going to try and be his friend. मुझे वो पसंद है और मैं उसे दोस्त बनाने जा रहा हूँ. Friends with a crook? हाँ, you are crazy. एक क्रूक के साथ, एक क्रिमिनल के साथ तुम फ्रेंडशिप करने जा रहे हो, तुम पागल हो चुके हो. ठीक है, I said, okay, the cops will take you to jail with him. जो पुलिस वाले हैं ना, वो तुम्हें भी उसके साथ जेल में ले जाएंगे. Do you want that to happen? You idiot. तो क्या तुम सच्चे में चाहते हो कि ऐसा हो? Okay, Nishad merely glared at me and quietly walked out of room. मतलब उसने मुश्किल से मेरी तरफ देखा होगा और चुपचाप से रूम से निकल जाता है. Okay, my theory seemed to have made no impression on him at all. मैं जो थ्योरीज उसे बता रही थी उसके ऊपर उसका कोई इम्प्रेशन नहीं हो रहा था. सो दीज आर टू किड्स. ओके, ये हमें बताया गया कि किड्स के माइंड में क्या क्या चलता है, किस तरह से वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते हैं. सो दैट वॉज द स्टोरी.